कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इसी वेरिएंट के डर से कई देशों में कोरोना प्रतिबंध लौट आए हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये वेरिएंट इतना खतरनाक है कि इस पर वैक्सीन भी असर नहीं करती। इन सब के बीच जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को बेअसर करने में असरदार है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने दावा किया है कि उसकी सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट और वायरस के अन्य स्ट्रेन पर काफी असरदार है। कोविड-19 वैक्सीन शॉट ने पहली खुराक के 29 दिनों के भीतर डेल्टा वेरिएंट को बेअसर कर दिया और सुरक्षा पैदा हो गई और कुछ समय के साथ ये बेहतर हो गई। वैक्सीन संक्रमण के खिलाफ लंबे समय तक दोहरी सुरक्षा देती है। कंपनी के डेटा के मुताबिक उसकी वैक्सीन लेने वाले लोगों में कम से कम 8 महीने तक इम्यून रिस्पांस पाया गया है। कंपनी का दावा है कि इसकी वैक्सीन 85% तक प्रभावी है, साथ ही ये अस्पताल में भर्ती होने और मौत से भी बचाती है। जॉनसन एंड जॉनसन के अनुसंधान प्रमुख डॉक्टर मथाई मैमेन के मुताबिक 8 महीने के डेटा में पता चला है कि जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल शॉट वैक्सीन मजबूत न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बनाती हैं, जो समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लेने वाले लोगों में डेल्टा सहित सभी वेरिएंट के खिलाफ मजबूत न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी पाई गई हैं। हालांकि स्टडी की समीक्षा अभी नहीं की गई है। ब्रिटेन में कुछ दिनों पहले जारी एक डेटा के मुताबिक फाइजर के दोनों डोज लेने के बाद डेल्टा वेरियंट से 88% तक बचाव हो सकता है, जबकि एस्ट्राजेनिका 60% तक इस जानलेवा वेरिएंट से बचाव कर सकती है। वहीं अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक स्टडी में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भी काफी असरदार पाई गई है। NIH का कहना है कि वैक्सीन कोविड-19 के अल्फा और डेल्टा दोनों वेरिएंट को प्रभावी रूप से बेअसर करता है। WHO ने डेल्टा वेरिएंट पर सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके लोगों को भी अब सावधान रहने की जरूरत है। जिन लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं वे भी मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन रखें और हाथों की सफाई का विशेष ख्याल रखें। अगर मैं पाकिस्तान का कोच बना तो बिल्कुल बताऊंगा, अभी क्या बताऊंगा। जब कंगना फिल्म में होती है तो कितने लोगों को दिक्कत होती है, ये आप खुद नोटिस कीजिए। मैं आपके तरह किताबें पढ़ के नहीं आता हूँ, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी महसूस करके।